अब जैसे कि हम सबको पता है, जैसे जैसे हमारे अर्थ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से होता क्या है, जो हमारी अर्थ पे ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, वो सारे पिघल रहे हैं धीरे धीरे। पर क्या होगा अगर हम सोचें, इमेजिन करें कि हमारे अर्थ के क्लाइमेट में एक ऐसा चेंज आता है जिससे हमारी अर्थ की सारी जो आइस है वो मेल्ट हो जाए, मतलब कि पिघल जाए और समुद्रों में मिल जाए, तो क्या आप सुबह उठेंगे और अपने आप को पानी में डूबा पाएंगे, या फिर जितने भी आपके पसंदीदा देश हैं जिनको आप जानते हैं वो सारे पानी में डूब जाएंगे और आप कैसे मरेंगे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर हमारी अर्थ की जो सारी आइस है वो पिघल जाए। तो अब शुरू करते हैं। हमारी अर्थ का 5.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स मतलब 5.8 करोड़ माइल्स का जो एरिया है वो आइस से कवर्ड है, और अगर हम उस पूरी आइस को पिघला देते हैं तो जो हमारा सी लेवल है वो सी लेवल 200 फीट तक ऊपर हो जाएगा, मतलब अभी जितना सी है उससे 200 फीट ऊपर पूरी दुनिया का सी हो जाएगा। अब इससे क्या क्या इफेक्ट होगा वो सारी चीजें हम जान लेते हैं। इतना ऊपर सी लेवल काफी है लंदन ब्रिज को डुबाने के लिए, प्यारा सा मैक्सिको जो सिटी है उसको डुबाने के लिए, लंदन सिटी को डुबाने के लिए, पर ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी अफ्रीका को क्योंकि वो बहुत ऊपर है, पर वहाँ की जो गर्मी होगी पूरी दुनिया की आइस के पिघलने के कारण उसको ले डूबेगी। हमारी अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं साथ के साथ, वो सारे कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं तरीकों से पानी से डूबे होंगे। ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो 80% पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा पानी से। अब ये सारी चीजें हो गई कि क्या क्या डूबेगा, और अब हम बात करते हैं कि क्या होगा हमारी और हमारी लिविंग के साथ। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हमें आइस को मेल्ट करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, और जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। पर हमारी अर्थ में जितनी भी ऑक्सीजन है वो उतनी ही ऑक्सीजन रहेगी जितनी होनी चाहिए, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। तो क्या होगा, आपको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाने वाली है और आप धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि आपका दम घुटने लगेगा उस एयर को ब्रीथ करने से, और ये टाइम आपके लिए बहुत कम होगा उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, और सारे जो एनिमल्स होंगे वो भी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे लाइफ कम होने लगेगी अर्थ पे। अब जैसे ही ओशियन का लेवल बढ़ेगा तो ओशियन का जो करंट होगा वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। ओशियन में एक करंट होता है जैसे कि हमारा विंड्स होते हैं ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो उससे जो सी लाइफ होगी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी क्योंकि उनके पास बहुत ही कम टाइम होगा उसे अडॉप्ट करने में। तो बहुत सारे ड्रास्टिंग चेंज आने वाले हैं अभी अर्थ पे, धीरे धीरे आप इस वीडियो को आगे देखते जाइए। अब जैसे ही सी लाइफ बर्बाद होगी वैसे ही जो ह्यूमन की फूड सप्लाई होगी वो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर या फिर बहुत ज्यादा खाना हमें सी लाइफ से मिलता है, और जब सी लाइफ ही बहुत कम हो जाएगी तो फूड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी और इससे इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा हार्म होगा अर्थ को। इकोलॉजिकल जो बैलेंस होगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा क्योंकि फूड चेन में बहुत सारे डिफरेंसेस आने वाले हैं ये सारी चीजें होने के कारण। अब जैसे ही सी करंट चेंज होगा जैसे कि मैंने पहले बताया, तो कई सारे इन्वायरमेंटल चेंज भी आएंगे, और ये इन्वायरमेंटल चेंज छोटे बड़े नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे कि जहाँ डेजर्ट का इलाका है, जहाँ सालों से मतलब 100-200 साल हो गए वहाँ बारिश नहीं हुई, वहाँ पानी बरसेंगे, और जो हरे भरे इलाके होंगे वो पूरी तरह से डेजर्ट में बदल जाएंगे विदाउट वाटर। अब जब हमारी अर्थ पे बिल्कुल भी आइस नहीं है तो सन की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वो डायरेक्ट सी पे जाएगी और उससे ज्यादा बादल बनेंगे, ज्यादा बादल बनेंगे तो वो जमा होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब वो पहाड़ों के पास जाएंगे तो वो फटेंगे और रेनफॉल होगा, और जब उतना ज्यादा पानी गिरेगा तो फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी पहाड़ी इलाकों में, और जब पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आती है तो पहाड़ के नीचे जो इलाके होते हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। अब इतना ज्यादा पानी हो जाने के कारण हमारे सी में अगर छोटा सा भी टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंज आता है तो वो बहुत ही बड़ा सुनामी का कारण बनेगा इतने सारे पानी के कारण, और जो भी सिटीज बचेंगी अभी तक इन सारी चीजों के बाद वो भी बर्बाद हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें इमेजिनरी नहीं है, ये सारी चीजें होंगी एक ना एक दिन अगर हम ऐसे ही फ्यूल को बढ़ाते रहें, ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ाते रहें। हम आज तक यही पढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये बहुत पहले का है, और आज के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो गया है। जब भी पता चलेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये सारी चीजें होंगी एक ना एक
दिन जब हमारी अर्थ की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम ये सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला और कुछ नया सीखा आपने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।